माँ बाप का कर्जा वसूलने के लिए क्या बेटी का सौदा करना सही है? बिल्कुल गलत है, और इस सौदा प्रथा को बंद करवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ अंबिका। मैंने शादी की है, सौदा नहीं। बेटों की चाह में बेटियों को मार देने वाली आज उन्हीं बेटों के लिए बहू खरीद कर ला रहे हैं। ये शादी है या सौदा? हम बहुत गरीब हैं, हमें सपने देखने का भी हक नहीं है, और इतने गरीब हैं कि हमारे माँ बाबा ने हमारे भाई बहन की परवरिश के लिए ठाकुर से कर्जा लिया है, पर इतनी ताकत नहीं है कि उसे लौटा सके। तो लड़कियों का सौदा करके ही कर्जा उतारेंगे? गाँव में लड़के भी तो है, उन्हें भी बेचे ना। गाड़ी क्यों रोकी, चढ़ाकर मार ही डालो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जगदीशिया, अब तो कान खोल के सुन ले, अगर तैने तेरी बेटी का सौदा नहीं करया तो मैं तेरी बेटी को मंडी में बेच करके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। क्या आपने मेरा सौदा किया है? क्या आप मुझसे पैसे देकर शादी कर रहे हैं? ना जी। आपने मेरे पिताजी को पैसों का कोई लालच तो नहीं दिया ना? देखिए जी, हम लोग ना अच्छे खानदान वाले लोग हैं, हमने आज तक लड़की खरीद के शादी करने की सोची नहीं। वैसे बहू कितने की पड़ी? पूरे 5 लाख में। अंबिका, क्यों हो गया? आपको मेरी कसम, आज सच बोलिएगा, क्या आपने मेरा सौदा किया है? क्या आपने मेरे पिता को पैसे देकर मुझसे शादी की है? सौदा किया तेरा। वीरेंद्र, ये राघव से बात करनी पड़ेगी। जी पिताजी। पानी सर के ऊपर से जा रहा है। राघव, मेरी इज्जत को मिट्टी में क्यों मिला रहा है ये? दाजी, गलत कामों से कमाई हुई इज्जत उसको एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना ही होता है। चुप कर, पिताजी की बातों का पलट के जवाब देगा तू? बदतमीज, जो आप मुझे यही मिल गए। अब आपके पिताजी के बाद आप ही को तो सौदा रीत आगे बढ़ानी है। देखो अंबिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं खुद इस सौदा रीत के खिलाफ हूँ। अंबिका, फिलहाल तुम गुस्से में हो,
दिमाग को शांत करो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपकी बात समझने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब समझना आपको है कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। मैं तो खुद को हीरो समझ रहा था, यहाँ तो हीरोइन का हीरो कोई और है निकला। मैं नहीं। तो यो है तेरा चक्कर। रात शादी मेरे साथ की और निवा किसी और के साथ रही है तू? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। रात चुप कर बाड़ी पूछ। तुझसे तो मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। पैसे देकर शादी कर भी ली तो क्या हुआ? शादी तो किना, तेरी तरह धोखा तोड़ा दिया, दिल में चूड़ियां तोड़ी मारा है। शादी की है तेरे साथ, सौदा नहीं किया है। अरे जे तू मुझे पहले बता देती ना कि तू किसी और से प्यार करती है तो तेरी कसम अंबिका, हम दिल दे चुके शर्म का अजय देवगढ़ बन जाता तेरे लिए। देखिए भाई साहब, हाथ पीछे। अरे मत के सोई ठाकुर बिरन के भाई को हाथ लगाने के। हाथ तो क्या जान से मार दूंगा मैं से। तू तो गया। ऐसा कर क्या रहा है? हटिए पीछे, रहने दीजिए। ऐसा आपको मेरी कसम नहीं। लुगाई होगी भारी। चल भाई काके, या खाना खत्म कर। अरे भाई साहब आइए आइए बैठिए। बस 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 यही है इसका घर, मैं बात करता हूं। जगदीश बेनीगाम, अरे हमें हमारा काम करने दे। हमें यहां से अंबिका को लेके जाना है किसी भी सूरत में। चल निकल। आखिरी बार कह रहा हूं मैं, अंबिका यहां से कहीं नहीं जाएगी। कौन रोकेगा हमें? तू रोकेगा हमें?
तुम्हारे बेटे पर बंदूक ताड़ने की हिम्मत आज तक तुम्हारे दुश्मनों ने भी नहीं करी, तो किस खेत की मूली है रे? ऐसे कैसे चला जाओ? 8 लाख का रोकड़ा देके खरीदी अंबिका, वो फट में नहीं उठा के ले जा रहे। जितने में तेने खरीदा है ना, उतने पैसे मुझसे ले और निकल यहाँ से। अरे चाहे जो हो जावे, थोड़ी को लिए बगैर यहाँ से ना जाऊँ मैं। लेकिन थारी लाश लेकर कौन जाएगा है? विराट कहां मर गए तुम? पागल कहीं का साथ खिलौड़े हरकत करने की कोशिश कैसे की? विराट बास मुझे थारी बात, मैंने जो देखना था ना अपनी आंखों से देख लिया है। जिंदा नहीं छोड़ने वाला विराट, भाषण नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे विराट कोशिश कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई सा कहते हुए। ज़बान काबू में रख राघव, गिरी हुई हरकत मैंने नहीं, तूने किया। यजमान शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को मंडप में बुलाइए।
देख, मारी बर्बादी का तमाशा मत देख, मत देख मारी बर्बादी का तमाशा। मैं अंबिका से अपनी प्यार कर रहा हूँ। अंबिका, अरे मैं थारे से प्यार करता हूँ, थारे बिना नहीं जी सकता मैं। सुन ले तू अंबिका, बहुत प्यार करती हूँ विराट। मैंने इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। ये जो तुम्हारे भोले भाले चेहरे के पीछे असली छुपी है ना, पता चल गया मुझे। राघव जी, भले ही आपने मुझे अपनी पत्नी से स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन मैं तो बचपन से ही आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। एक बात कान खोल के समझो, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। इस घर में तुम्हारा पति तो होगा, लेकिन ना ही तुम्हारा कोई इस पे अधिकार होगा और ना ही तुम्हारे नसीब में उसका प्यार। राघव जी,